व्यूअर्स हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम छह बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें धन्यवाद नमस्कार दृष्टि आई के टुडे जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है आइए शुरू करते हैं पिछले एपिसोड के रिकेप से पिछले एपिसोड में पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि का कारण है पहला तेजी से बढ़ती मानव आबादी दूसरा वनों की कटाई तीसरा पशुओं द्वारा अतिचारण चौथा कृषि इसका सही उत्तर था विकल्प डी यानी एक दो तीन और चार दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार विजेता और श्रेणी पहला था प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा टाउन दूसरा था छत्तीसगढ़ सौ से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य तीसरा था मिजोरम सौ से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य इसका उत्तर था विकल्प बी यानी केवल दो तीसरा प्रश्न था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला इस तकनीक पर आधारित मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम से कम दस गुना अधिक होती है दूसरा अधिकांश हाइपरसोनिक व्हीकल मुख्य तौर पर डुअल मोड रैमजेट यानी डी एम आर जे तकनीक का उपयोग करते हैं इसका सही उत्तर था विकल्प डी न तो एक और ना ही दो चौथा प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत गौरव ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है दूसरा भारत गौरव ट्रेन केवल निजी क्षेत्र द्वारा दक्षता बढ़ाने के लिए चलाई जाएंगी इसका सही उत्तर था विकल्प ए यानी केवल एक पांचवा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक के तहत शामिल हैं पहला पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी आईबीआरडी दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी चौथा मल्टीलिटरल गारंटी एजेंसी यानी एम पांचवा निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र यानी आईसीएसआईडी। इसका सही उत्तर था विकल्प ए यानी केवल एक और दो छठा प्रश्न था चौधरी हरमोहन सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला 1991 में उन्हें सौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था दूसरा वह एक शिक्षाविद सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे इसका सही उत्तर था विकल्प सी यानी एक और दो दोनों सातवां प्रश्न था सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला इस सूचकांक में शिमला शीर्ष पर है उसके बाद क्रमशः पुरी और चंडीगढ़ का स्थान है दूसरा सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग जी और बी सहयोग का परिणाम है इसका सही उत्तर था विकल्प ए यानी उपयुक्त कथनों में से केवल पहला विकल्प सही नहीं है अगला प्रश्न था खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह प्राकृतिक गैस सहित सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है दूसरा इसके तहत दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं इसका सही उत्तर था विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न था हाल ही में खबरों में रहा द डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिलीजन एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है आपके विकल्प थे तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश अगला प्रश्न था राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एन अधिनियम 2008 के तहत किया गया था इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के कानपुर में है इसका सही उत्तर था विकल्प ए यानी केवल एक आइए अब देख लेते हैं पिछले सेशन का अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हीमोग्लोबिन की सामान्य से कम मात्रा होने की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है दूसरा आयरन की कमी और विटामिन बी बारह की कमी से होने वाला एनीमिया भारत में एनीमिया के दो सामान्य प्रकार हैं। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नब्बे प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल एक और दो केवल तीन एक दो और तीन इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी केवल एक दो और तीन आइए इस प्रश्न का विश्लेषण देख लेते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एन एफ से 2021 के अनुसार 6 से उनसठ महीनों की आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या या उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है इसलिए कथन एक सही है एनीमिया ग्रीक शब्द एनीमिया से लिया गया है एन का अर्थ है बिना और हीमिया का अर्थ है रक्त एनीमिया के कई प्रकार हैं जिनमें आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया दुनिया भर में आम है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है आयरन की कमी एवं विटामिन बी बारह की कमी से होने वाला एनीमिया भारत में एनीमिया के दो सामान्य प्रकार हैं इसलिए कथन दो सही है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कुछ प्रमुख लक्षण हैं असामान्य थकान सिर दर्द और चक्कर आना घबराहट क्षतिग्रस्त बाल और त्वचा मुंह और जीभ की समस्या स्वाद में बदलाव आदि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के मुताबिक लद्दाख में बयानबे दशमलव पाँच प्रतिशत बच्चे बयानबे दशमलव आठ प्रतिशत महिलाएं और लगभग छिहत्तर प्रतिशत पुरुष एनीमिया के शिकार हैं। अतः कथन तीन सही है हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आइए अब देख लेते हैं आज के एपिसोड का पहला प्रश्न एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य है दूसरा भारत इसमें सबसे बड़ा शेयर धारक है तीसरा एडीबी का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन एक दो और तीन इसका सही उत्तर है विकल्प ए आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडी और भारत सरकार ने तेरह राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए तीन मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जान लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है इसमें कुल अड़सठ सदस्य देश हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है इसलिए कथन एक सही है कुल सदस्यों में 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र और 19 सदस्य देश अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मकसद एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है 31 दिसंबर 2019 तक इसके पांच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान 15.6 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका 15.6 प्रतिशत चीन 6.4 प्रतिशत भारत 6.3 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया 5.8 प्रतिशत शामिल हैं इसलिए कथन दो गलत है इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है अतः कथन तीन गलत है आइए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या दो व्हाइट ड्वार्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए प्रत्येक तारा अपने संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग करने के बाद व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है नाभिकीय संलयन के माध्यम से तारे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में रूपांतरित करते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प बी आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हाल ही में खगोलविदों की एक टीम ने सबसे तेज घूमने वाले व्हाइट ड्वार्फ की पुष्टि की है जो प्रत्येक 25 सेकंड में एक बार पूरी तरह रोटेशन को पूरा करता है व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौने तारे वे तारे हैं जिन्होंने परमाणु ईंधन के तौर पर संपूर्ण हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है जब संपूर्ण हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग कर लिया जाता है और संलयन धीमा हो जाता है तब गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा अपने कोर में कोलैप्स हो जाता है और वह व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान वाला तारा व्हाइट ड्वार्फ में बदलता है वहीं चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाला तारा थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा में बदलता है अतः कथन एक गलत है जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकी संलयन कहते हैं नाभिकी संलयन के माध्यम से तारे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में रूपांतरित करते हैं अतः कथन दो सही है आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीन को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है मालदीव भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का नाम दोस्ती है दूसरा कथन यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अभ्यास है तीसरा कथन इसका पंद्रवा संस्करण मालदीव में आयोजित किया जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं आपके विकल्प हैं केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन एक दो और तीन इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल तीन हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का पंद्रवा संस्करण मालदीव में शुरू हुआ इसलिए कथन तीन सही है इस त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती में भारत मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं इसलिए कथन एक गलत है दोस्ती एक द्विवार्षिक अभ्यास है अथवा कथन दो भी गलत है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के उद्देश्य आपसी मित्रता को और मजबूत करना आपसी परिचालन क्षमता में वृद्धि करना मालदीव भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच इंटर और सहयोग को बढ़ावा देना मालदीव और श्रीलंका दोनों देश भारत के समुद्री सुरक्षा हितों के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं आइए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या चार को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है प्रतिस्थापन दर प्रजनन क्षमता का वह स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर लेती है दूसरा कथन है दिल्ली सिक्किम और आंध्र प्रदेश में कुल प्रजनन दर यानी टी प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक कुल प्रजनन दर या प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में कमी आई है 2015-16 में दर्ज किए गए 2.2 के स्तर से यह 2.0 हो गई है प्रतिस्थापन दर प्रजनन क्षमता का वह स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर लेती है इस स्तर से कम प्रजनन दर पर जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलती है अतः कथन एक सही है हालांकि जनसंख्या स्थिरीकरण को बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि सिक्किम आंध्र प्रदेश दिल्ली केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है अतः कथन दो सही है आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पांच को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है सभी लघु बचत इंस्ट्रूमेंट्स के संग्रह को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है दूसरा कथन है छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तिमाही आधार पर तय की जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या लघु बचत योजनाएं भारत में घरेलू बचत का प्रमुख स्रोत हैं। इसके तहत 12 इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। इसमें जमाकर्ताओं को उनके जमा पैसे पर एक सुनिश्चित ब्याज मिलता है सभी लघु बचत इंस्ट्रूमेंट्स से संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी एन में जमा किया जाता है अतः कथन एक गलत है छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को सरकारी बॉन्ड में गति के अनुरूप तिमाही आधार पर तय किया जाता है अतः कथन दो सही है वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर दरों की समीक्षा की जाती है आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या छह को संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है यह 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दूसरा कथन है संविधान दिवस मनाने की शुरुआत दो में हुई तीसरा कथन है वर्ष 2010 में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन गुजरात द्वारा किया गया था उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपके विकल्प हैं केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल एक और तीन इस साल संविधान दिवस समारोह के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल यानी 26 नवंबर को संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अनुमोदन के उपलक्ष्य में छब्बीस नवम्बर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा यह उन्नीस में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसलिए कथन एक सही है 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई इसलिए कथन दो गलत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को उचित मान्यता देने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी इस दृष्टिकोण को गुजरात द्वारा 2010 में आयोजित संविधान गौरव यात्रा में भी देखा जा सकता है अतः कथन तीन सही है आइए चलते हैं प्रश्न संख्या सात की तरफ भारतीय पनडुब्बी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है आई एन वेला स्वदेश निर्मित कलवरी क्लास की पंडुब्बी है दूसरा कथन है आई एन वेला कलवरी श्रृंखला में चौथी पनडुब्बी है तीसरा कथन है स्कॉर्पियन क्लास की छह पनडुब्बियों के निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक रूसी नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो और तीन केवल तीन केवल, तीन, केवल एक और तीन इसका सही उत्तर है विकल्प डी हाल ही में स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी वेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया इसलिए कथन एक गलत है आई एन प्रोजेक्ट वेला के तहत मजगा सिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एम मुंबई द्वारा स्कॉर्पियन क्लास की छह पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है मजगा डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने स्कॉर्पियन श्रेणी की छह पनडुब्बियों के निर्माण और आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए फ्रांसीसी नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया है अतः कथन तीन गलत है कलवरी खंडेरी और करंज के बाद आई वेला इस श्रृंखला में स्कॉर्पियन क्लास की चौथी पनडुब्बी है इसलिए कथन दो गलत है इससे भारत को अपने सामरिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या आठ को संघाई सहयोग संगठन यानी एस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला ईरान को इस संगठन के नवे पूर्ण सदस्य के तौर पर स्वीकार किया गया है दूसरा कजाकिस्तान चीन उजबेकिस्तान रूस और तजाकिस्तान संघाई पांच के सदस्य थे उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प ए संघाई सहयोग संगठन यानी एस के शासनाध्यक्षों की परिषद की बीसवीं बैठक आज यानी पच्चीस नवम्बर को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में नूर सुल्तान में हुई भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से हो रही इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया आइए जान लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में की गई थी इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है वर्ष 2002 में एस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में यह लागू हुआ यह एक यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है 2001 में एस के गठन से पहले कजाकिस्तान चीन किर्गिस्तान रूस और तजाकिस्तान संघाई पांच के सदस्य थे इसलिए कथन दो गलत है हाल ही में ईरान को CEO के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है अथवा तो कथन एक सही है 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे देख लेते हैं प्रश्न संख्या नौ पावर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला यह एक महारत्न कंपनी है दूसरा वर्ष उन्नीस सौ में इसने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प सी आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण हाल ही में लद्दाख में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए द्रास सब स्टेशन में एक दिवसीय मुफ्त आर्थोपेडिक और कार्डियक कैंप का आयोजन किया जान लेते हैं पावर ग्रिड के बारे में यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है यह भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इसने अपना वाणिज्यिक संचालन वर्ष उन्नीस सौ बयानबे तिरानबे में शुरू किया था इसलिए कथन दो सही है यह एक महारत्न कंपनी है अतः कथन एक भी सही है चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या दस निम्नलिखित में से कौन भारत में पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन गया है आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटक इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है अतवा विकल्प बी सही है आइए अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ई जेड में खनिजों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है दूसरा राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं के भीतर पाए जाने वाले खनिजों पर अधिकार रखती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है आपके विकल्प हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नए प्रश्नों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद